उत्तर प्रदेश की जिस जनता ने 73 लोकसभा की सीटें दी थी, 323 विधानसभा की सीटें दी थी, वो आज प्रधानमंत्री जी से आजमगढ़ में ये उम्मीद कर रही थी कि वो बताएंगे कि रोजगार 8 करोड़ कब मिले, किसको मिलेंगे। वो उम्मीद कर रही थी कि 12,000 करोड़ जो किसानों का बकाया है उसकी घोषणा करेंगे। आज ये भी उम्मीद थी कि जो वहां की बंद पड़ी मिले फैक्ट्रियां हैं, आज प्रधानमंत्री जी उनके खुलने की तारीख की घोषणा करेंगे। उम्मीद थी जिस तरह महिलाओं की इज्जत उत्तर प्रदेश में लूट रही है, प्रधानमंत्री जी कुछ उसके बारे में भी बोलेंगे। पर लगता है कहीं ना कहीं उसी आजमगढ़ में एक फूलपुर है, उसी फूलपुर को याद करके उन्हें फूलपुर, गोरखपुर और हमारी कैराना, उनके दिमाग पे इतना चढ़ा हुआ था कि आज वो बोल कम रहे थे, पसीना ज्यादा पोंछ रहे थे। लगता है सामने की जनता का मिजाज देखकर उन्हें 2019 की अपनी भविष्य की असलियत की तस्वीर दिख रही थी। और तभी तो आजमगढ़ का नाम आते ही महान व्यक्तित्व राहुल संस्कृतायन को भूल गए, जिसे दुनिया जानती थी। कैफी आजमी का भी जिक्र करना भूल गए, परमवीर चक्र विजेता वही बगल के गाजीपुर से हवलदार अब्दुल हमीद को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना भूल गए। और वो भी भूल गए कि गोरखपुर में जब जिक्र कर रहे थे तो सैकड़ों मासूम बच्चे भाजपा सरकार की बेरुखी के कारण मौत की भेंट चढ़ गए थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, तड़प तड़प कर मर गए। आज उनके लिए भी दो शब्द प्रधानमंत्री जी के नहीं निकले। एक बार तो बोल देते कि जिसने बेटी की इज्जत लूटी है वो मेरे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, आज भी है, उन्हीं की सीबीआई की चार्जशीट लगी है, आज मैं उसे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण शायद उन जो वहां के बुनकर भाई हैं उनसे प्रेरणा तो ले रहा था कि बुनकर भाई अपना पसीना बहाकर लोगों के बदन को ढकते हैं, और आज प्रधानमंत्री जी अपना पसीना बहाकर झूठ के ताने बाने चुनाव का जो एक चुनावी भाषण दे रहे थे उसमें सब कुछ उधार का था, सब कुछ दूसरी सरकारों का था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के अगर आवास थे जिसका नाम बदल दिया गया, मनमोहन सिंह जी की सरकार का वो विद्युतीकरण और औद्योगिकरण की बात थी जिसे अपनी जुबान से कह रहे थे, तो जिस पूर्वांचल की एक्सप्रेस का जिक्र वो कर रहे थे उसकी तो भूमि अधिकृत बहुत पहले हो गई थी, उसका तो शिलान्यास टेंडर सब कुछ हो चुका था। आज मोदी जी का तेवर एक थके हारे सेनापति का था जिसकी सेना लगातार शिकस्त खा रही हो और जिसके भविष्य में अंधेरा दिख रहा हो। आज एक बहुत निराश प्रधानमंत्री को हमने देखा। याद करें अगर आप तो मैं कहना चाहता हूं बात ये भी हो रही थी नामदार की, तो मैं इतने ही कहूंगा, चाहे सोशल मीडिया चाहे आम आदमी की भाषा में हो, प्रधानमंत्री जी आपके भी बहुत से नाम हैं, अगर वो नाम हमने लिए
तो फिर आप रोना शुरू करेंगे कि मैं प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा कहा गया। तो मेहरबानी करके दूसरों के बारे में बोलने के पहले एक बार सोच लीजिए कि अगर दूसरे दलों के बड़े नेताओं पर आप कटाक्ष अपनी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा के करेंगे, तो हम कब तक प्रधानमंत्री पद की गरिमा की रक्षा करेंगे? हमें भी आपको उन नामों से पुकारना पड़ेगा जिन नामों से आप आज हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, जो वायदे करके नहीं पूरा करता, जो कहता नहीं, करता नहीं कुछ, सिर्फ कहता है, उसके बारे में जो लोग कहते हैं वो सारी बातें फिर आ जाएं। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतिहास की बात मत करो। इतिहास याद दिलाओगे तो उन परिवारों का इतिहास याद आ जाएगा जिन्होंने लंबी जेल में एक अवधि काटी है देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उस लड़ाई में जंगे आजादी की, उनके परिवार ने, जिनसे आजकल आप इतना डर गए हो कि उनका नाम लेने में भी घबराते हो, इशारों में बात करते हो, हमारे नेताओं का नाम लेने में भी आपको पसीना आ रहा है, आजकल हिम्मत नहीं पड़ रही है। उन परिवारों ने तो देश की आजादी में जेल के सिक्के के पीछे लंबी जिंदगी बिताई, और आप या कोई याद करके बताइए ना, आपके यहां से भी कोई जंगे आजादी में जेल के सिक्के के पीछे गया है? हाँ, एक काम जरूर किया था आपके सहयोगी दलों ने, आपके संगठनों ने, अंग्रेजों की पिट्ठूगिरी की थी और उनकी सेना में भर्ती करने का आह्वान किया था। आपके विचारधारा के लोगों ने, आपके संगठन से जुड़े लोगों ने, तो मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाले, दिवाली रमजान की बात करने वाले, हिंदू और ISI की बात करने वाले न भूलें कि ISI के एजेंट जो हैं वो कहीं दूर नहीं। आपके दल में नाम अगर मैं लेने लगूंगा तो फिर बड़ी लंबी फहरिस्त आ जाएगी। मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, 4 साल बीत चुके हैं मोदी जी, अब हवा हवाई फेंकना बंद कर दीजिए, अब सीधा जवाब दीजिए कहां है 15 लाख, जवाब दीजिए कहां है रोजगार, जवाब दीजिए ये महंगाई जो आज फिर बढ़कर एक रिकॉर्ड छू रही है, जवाब दीजिए आज कि रुपए का कीमत आपकी उम्र के उस पार चली गई है, ये कब रुकेगी, पेट्रोल के दाम कब घटेंगे, किसान को उसकी उपज का ड्योढ़ा कब मिलेगा। आज आपको आजमगढ़ की धरती पे ये बोलना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं बोल पाए क्योंकि आपने किया ही नहीं, और जब आपने किया नहीं तो आप बोलें क्या। एक बार फिर हवा हवाई प्रधानमंत्री जी का हवा हवाई भाषण आजमगढ़ में लोगों ने सुना। ने ये भी कहा कि हाल में राहुल गांधी जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों मुसलमानों की पार्टी है, तो क्या सिर्फ पुरुष मुसलमानों की पार्टी है, महिलाओं के मुद्दे पे क्यों पर विचार? हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के काल से, 1947 में भी जो हमने निर्णय लिया सरकार बनाने के बाद से, देश के हर धर्म जाति को लेकर अगर कोई चला है, संप्रदाय को लेकर चला है, हर वर्ग को लेकर चला है अगड़े पिछड़े को, तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उस परंपरा का पालन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक जारी है। हमारे लिए हर जाति हर धर्म के लोगों का आदर है, उनके विचारों का आदर है, हम सबको लेकर चलते हैं। मोदी जी की तरह हम शमशान कब्रिस्तान में, हम कहीं ना कहीं विध्वंस में और जोड़ तोड़ की राजनीति में, बिखराव की राजनीति में, बांटने की राजनीति में वोटों की फसल नहीं उगाते। उन्होंने ट्रिपल तलाक का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के मामले में कई पार्टियों से हमने बातचीत की लेकिन सहमति नहीं हो पाती, संसद चलने नहीं देते कांग्रेस के लिए। मैं निश्चित रूप से आरोप लगाता हूं कि संसद अगर नहीं चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद नहीं चलाना चाहती है, ये मैं अंदर बैठकर देखकर आया हूं। 11 बजे आएंगे,
बात शुरू होने के पहले अपने सहयोगी दल से सदन में कोई डिस्टर्बेंस कराएंगे और उसके बाद सदन दूसरे दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित। इसलिए नहीं करना चाहते कि राफेल जैसे मुद्दे पे जवाब न देना पड़े, इसलिए नहीं करना चाहते कि जो लेकर नीरव मोदी जैसे लोग चले गए हैं उन मुद्दों पर जवाब देना पड़े। इसलिए सरकार पार्लियामेंट छोड़कर भागती है, विपक्ष हमेशा चाहता है कि चर्चा हो। जहां तक ट्रिपल तलाक की बात, ट्रिपल तलाक के हम पक्ष में हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, लाने के पहले क्यों नहीं बात की? जानबूझकर आप उसको इस ढंग से ला रहे हैं जिसमें बातचीत की गुंजाइश अगर पहले थी आज भी है, तो बातचीत करिए। वो महिलाओं के हित में होना चाहिए, महिलाओं के विरोध में नहीं होना चाहिए। जो स्वरूप आपका है न उसमें महिलाओं का भला है, न जिस समुदाय के लिए आप लाए हैं उसका भला है। सर एक ये भी है कि केरल में अब लेफ्ट पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी राम और रामायण के भरोसे चल रही है। जब आप लोग भी रामायण मास में राम से रामायण से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरह आप लोग भी राम को? मेरा पहले का जो जवाब है मैं उस पर कायम हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म का सम्मान करती है, हर जाति का सम्मान करती है और सबके सम्मान और मान के साथ अपने को जोड़कर देखती है। राम मंदिर के बारे में, अयोध्या प्रकरण के बारे में, उस विवाद के बारे में मेरा सिर्फ एक जवाब है। कांग्रेस पार्टी कहती है या तो जो उसके पक्षकार हैं वो आपस में बैठकर बातचीत से कोई रास्ता निकालें, या सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसे दोनों को मानना चाहिए। हम इस विचारधारा के हैं। जहां तक अमित शाह जी की बात है, अमित शाह जी एक ऐसे दल के सेनापति हैं जो लगातार चुनाव हार रही है, सारे उपचुनाव हार रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनके सारे मुद्दों पे वो असफल साबित हुए, और जब सारे मुद्दों पे वो असफल साबित हो गए तो घुमा फिरा कर भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने इसे सन 87-88 से सदन में बैठ के देखा है, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम चुनावी मुद्दा बनते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद उनको फिर पूरी तरीके से उस विषय को लाग लपेट करके ताले में बंद कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम आस्था नहीं बल्कि चुनाव के मोहरे बन जाते हैं।